आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये है वुड हैव। वुड हैव का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी सेंटेंस के लास्ट में चुका होता, लिया होता या आ होता आदि जैसे शब्द आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या किसी का नाम क्यों ना हो, आप वुड हैव का ही प्रयोग करेंगे। ये हम थोड़ा सा एक बार एग्जांपल्स दे करके और क्लियर कर लेंगे। तुम उससे बात कर चुके होते, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होते, तुम बात मान चुके होते, वह यह चैप्टर तैयार कर चुका होता, दीपिका मुझसे मिल चुकी होती, वह यह सब बात समझ चुकी होती। अब इन सब सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ रही है और वो ये है कि काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ऐसी कंडीशन में हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम वुड हैव में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की एक बार हम संरचना देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप वुड हैव यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल सही आपने सुना, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उससे बात कर चुके होते, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश आएगी यू और उसके बाद आप लगाएंगे वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉक टू हिम। बहुत सिंपल है, इसी हिसाब से आप अगले भी कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होते, वी वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। तुम बात मान चुके होते, यू वुड हैव ओबेड, वह यह चैप्टर तैयार कर चुका होता, ही वुड हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। दीपिका मुझसे मिल चुकी होती, दीपिका वुड हैव मेट मी, वह यह सब बात समझ चुकी होती, सी वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। तो हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि वुड और नॉट के बीच, वुड और हैव के बीच में नॉट लगानी है। वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना करके देखते हैं एक बार। तुम उससे बात नहीं कर चुके होते, यू वुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। इसी प्रकार से हम दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर चुके होते, वी वुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। तुम बात मान नहीं चुके होते, यू वुड नॉट हैव ओबेड, वह यह चैप्टर तैयार नहीं कर चुका होता, ही वुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। दीपिका मुझे नहीं मिल चुकी होती, दीपिका वुड नॉट हैव मेट मी, वह ये सब बात नहीं समझ चुकी होती, सी वुड नॉट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। अच्छा, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब वुड को सबसे पहले लेकर के आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वुड को सबसे पहले लेकर के आएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं सेंटेंस कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुम उससे बात कर चुके होते, वुड यू हैव टॉक टू हिम। क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होते, वुड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। क्या तुम बात मान चुके होते, वुड यू हैव ओबेड। क्या वह यह चैप्टर तैयार कर चुका होता, वुड ही हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। क्या दीपिका मुझसे मिल चुकी होती, वुड दीपिका हैव मेट मी। क्या वह यह सब बात समझ चुकी होती, वुड सी हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सभी सोशल साइट्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।